गुड मॉर्निंग क्लास मैथमेटिक्स जीवे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10 का मैथ्स 2 स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 5 का 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट है और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन सम्स बचे रह गए हैं। आज हम लोग उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा 5.1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं है, सब सवालों में आपने देखा दूरी का सूत्र लगाना है, मान ज्ञात करना है, हल करना, बस थोड़े से घूमा फिरा के यहां वहां की चीजें पूछी जाती है। जैसे इस सवाल में अगर आपको देखा जाए तो पूछा गया है कि ये चार शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज जो है वह समचतुर्भुज है। ऐसे ही आपको घुमा फिरा के मतलब दूरी का उपयोग करना है, दूरी ज्ञात करना है। वो कभी समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए बोलेगा, कभी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने को बोलेगा, कभी समकोण त्रिभुज सिद्ध करने बोलेगा, तो कभी आयत सिद्ध करने के लिए बोलेगा, कभी वर्ग सिद्ध करने के लिए बोलेगा। यानी कि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सिर्फ आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। और अगर आपको सभी आकृतियों के गुणधर्म मालूम है तो कोई भी चीज को सिद्ध करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करना चाहिए। अगर आप इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी तरीके से या और भी कंटेंट लाने की आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न में क्या दिया है, इस प्रश्न में चार बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और ये चारों बिंदु आपको बोल रहे हैं एक चतुर्भुज के निर्देशांक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज है। परीक्षा में कोई भी चीज पूछ सकता है, इससे पहले हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, अभी ये वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज सिद्ध करिए, तो हो सकता है आयत सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, वर्ग भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो हर प्रश्न में करना क्या है, देखिए अगर आपको वर्ग और आयत सिद्ध करने के लिए आया तो आपको 6 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। कितने, 6, चार भुजाओं के और दो विकर्ण के। तो आयत कैसे सिद्ध होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगी, तो यानी कि वह चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयत सिद्ध करने के लिए आप 6 दूरी निकालोगे, चार भुजाओं की, दो विकर्ण की, अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है लंबाई में तो यानी कि वह चतुर्भुज क्या हुआ, आयत। और अगर आपको वर्ग सिद्ध करना है तो फिर से 6 भुजा निकालोगे और उसमें चारों भुजाएं बराबर आएंगी और विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ग और आयत को भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए सिर्फ आमने सामने चारों भुजाओं का मान निकालना है और आमने सामने की भुजा बराबर आनी चाहिए। और समचतुर्भुज अगर आपको सिद्ध करना है तो उसकी चारों भुजाएं निकालना है और चारों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो अगर मुझे इसे सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, यानी कि मेरी प्रत्येक भुजा का मान क्या आना चाहिए, बराबर। विकर्ण मत निकालने बैठना, भुजा कौन सी होती है इसके लिए समझने के लिए आप चित्र बना के समझ सकते हैं, नहीं तो आप पता चला विकर्ण का मान निकाल लिए और आपको बोल रहे हो बराबर नहीं आ रहा है। चारों भुजा यानी ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चार भुजाओं का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र मैंने लिख लिया है, हर एक बिंदु के निर्देशांक को मैंने दर्शा लिया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ये x4 और ये y4, इस तरह से मैंने मान लिख लिया है। अब मुझे ए बी की दूरी निकालना है, ए बी यानी पहला दूसरा, इसलिए यहां पे x1 x2 y1 y2। ओके, मान रखते हैं फटाफट। चलिए x1 माइनस 4, ये चिन्ह माइनस का, x2 माइनस 1, ओके लिख लिया। अब y1 देखिए माइनस 7, ये सूत्र का माइनस, y2 देखिए 2, मान रखने के बाद अब इसको हल करोगे। अब देखो यहां पे दो चीजें एक साथ था, यानी कि घटना क्या घटी, माइनस 4 माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा, अलग अलग चीजें घटेगा कितना जाएगा, माइनस 3, इसलिए यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं, माइनस 3 का वर्ग। अब यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है, समान है यानी कि इसको क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे, समान चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं ना, तो माइनस 9, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस 9 का वर्ग। चलिए अब इसका वर्ग निकाल लेते हैं, इसका मान आ रहा है ए बी का, तो ये हो गया माइनस 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81, 81 में 9 जोड़ दीजिए तो ए बी का मान आ जाएगा करनी में
90, खंड करने की जरूरत नहीं है। जब दूरियां समान चेक करना रहता है तो खंड करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी का मान आ चुका है, अब फटाफट क्या करते हैं, बीसी का मान निकाल लेते हैं। बीसी दूसरा है, यानी कि सूत्र क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स थ्री का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री का वर्ग। चलिए मान रखते हैं एक्स टू माइनस वन माइनस सूत्र का एक्स थ्री आठ, y2 दो माइनस y3 पांच। चलिए समान चिन्ह है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे तो माइनस नौ का वर्ग, असमान चिन्ह है घटाओगे, लेकिन बड़ी संख्या किसमें है, माइनस, तो माइनस तीन का वर्ग, तो नौ का वर्ग कितना आया 81, धन तीन का वर्ग 9, यानी कि बीसी का मान भी कितना आ गया करनी में 90। ओके अब तीसरा मान निकालते हैं, तीसरा मान मतलब देख लो सीडी के लिए सूत्र क्या बनेगा, सीडी तीसरा है और डी कौन सा है, चौथा है, सी तीसरा डी चौथा, यानी कि सूत्र क्या बन गया, x3 x4 प्लस y3 y4। चलिए मान रखते हैं इसमें x3, देखिए x3 कितना है 8, माइनस x4 5, धन y3 5, माइनस y4 -4, तो CD बराबर करनी के अंदर, यहां देखो 8 माइनस 5 कितना होता है 3, 3 का वर्ग। यहां पे देखो एक संख्या के आगे दो चिन्हे, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो वर्ग करिए 9 धन 81 कितना आया 90 करने में। सब दूरियां बराबर आनी चाहिए और आप ही रही है, देखते रहो है ना, बराबर नहीं आएगा तो वही देख लेना गलती है और ये क्या मेरे से, तो तीनों बराबर आया, अब चौथा भी क्या आना चाहिए, कटनी 90 ही आना चाहिए। चौथा कौन, एडी के लिए सूत्र क्या बनेगा, करनी में ए कौन सा है पहला, डी कौन सा है चौथा, यानी कि x1 - x4 का वर्ग, y1 - y4 का वर्ग। ओके मान रखिए x1 कितना है -4, माइनस x4 कितना है x4 5, y1 कितना है -7, माइनस सूत्र का y4 कितना है -4। इनके चिन्ह देखो समान है यानी कि जुड़ जाएगा, तो -9 का वर्ग, यहाँ पे देखो -7 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस अलग हो गया, तो घटेगा कितना आएगा 3, वो भी बड़ी संख्या माइनस, इसलिए -3। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एडी का मान है वो करनी में यहाँ पे 81 धन 9, यानी एडी का भी मान कितना आ गया करनी में 90, समीकरण नंबर 4। तो चारों दूरियां बराबर आ गई, यानी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाओं की लंबाई अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है तो वह सम चतुर्भुज होता है। यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, चार से क्या, रेख ए बी बराबर है रेख बी सी के, बराबर है रेख सी डी के, बराबर है रेख ए डी के, यानी चारों भुजाएं बराबर है, यानी तो क्योंकि चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज है, यही आपको सिद्ध करना, चारों दूरी निकाला चारों बराबर है। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं लेकिन एक में एक्स लिखा हुआ है, मतलब वहां पे संख्या नहीं लिखी है, और लेकिन उसकी दूरी बताया है कि वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10। इससे पहले वाले हमने दूरी ज्ञात करना सीखा, यहां पर दूरी दिया गया है और एक बिंदु में कोई एक निर्देशांक ज्ञात करना है, जैसे यहां पे दोनों निर्देशांक दिया है लेकिन इस बिंदु में एक निर्देशांक का अता पता नहीं है, इसी को हमें क्या करना है, पता लगाना है।
हम लोग सीआईडी ऑफिसर है उसको पता करके बताएंगे कि एक्स का मान क्या होगा। ओके तो हम उसके लिए मैंने यहाँ बता दिया एक्स वन का मान एक्स है, वाई वन का मान सात है, एक्स टू का मान एक है और वाई टू का मान क्या है 15। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूरी सूत्र क्या बनेगा, एल एम बराबर करनी में एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग। लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर, एल एम का मान दिया, जब दूरी दिया रहेगा ना तो डायरेक्ट क्या करने का उसका वर्ग यूज करने का, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो जिससे क्या होगा करनी हट जाएगी। तो यहाँ पे एल एम स्क्वायर बराबर एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, हमने वर्ग किया तो क्या किया करनी हटा दिया, अब हमारा आंसर आसानी से आ सकता है। चलिए रखते मान एल एन का वर्ग, एल एन कितना दिया है 10, यानी यहां क्या जाएगा 10 का वर्ग। एक्स वन क्या है एक्स माइनस एक्स टू क्या है एक का वर्ग प्लस वाई वन क्या है 7 माइनस वाई टू मतलब 15 का वर्ग। अब इसी को हल करें, एक्स का मान निकालें, 10 का वर्ग कितना होता है 100। यहां देखिए एक्स माइनस वन दो अलग अलग पद है, अलग अलग पद है तो ये घट तो जा सकता नहीं है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले पद का वर्ग यानी कि x का वर्ग माइनस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, और यहाँ 7 माइनस 15 बोला, 7 माइनस 15 यानी कि अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 15 में 7 गया 8 और बड़ी संख्या माइनस में माइनस 8 का वर्ग। चलिए हल कर रहे हैं, 100 बराबर x का वर्ग माइनस ये क्या हो गया 2x प्लस 1 का वर्ग 1 धन माइनस 8 का वर्ग 64। सब संख्याओं को एक तरफ लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2x धन ये कितना हो गया 65, ये 100 यहाँ प्लस में था यहाँ गया तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ बराबर की उस तरफ कुछ नहीं बचा 0, ये मैं 100 को इधर ले जा रहा हूँ इसलिए 100 का चिन्ह बदला। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, 65 प्लस में और 100 माइनस में, मतलब अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह यानी कि क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, घट जाएंगे तो क्या आएगा 35, कितना आएगा 35, वो भी किसमें माइनस में। तो ये क्या बन गया एक वर्ग समीकरण, एक क्या बन गया वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा ज्ञात होगा। तो हमें क्या करना है पता करना है कि यहां देखो कोई नंबर नहीं, मतलब एक का गुणा 35 हुआ, एक का गुणा 35 हुआ तो कितना आएगा 35, मतलब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका मैं गुणा कर दूं तो 35 आ जाए और उसको घटा दूं तो कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 7 बच्चे कितना होता है 35, आपने एलजेब्रा में पढ़ा है इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब घटाना है तो मैंने बताया था घटाने की क्रिया में क्या होता है दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है, घटाया कब जाता है जब अलग अलग चिन्ह होता है, यहाँ हम घटाने की क्रिया कर रहे हैं ना 7 में से 5 घटा रहे तभी तो 2 आ रहा है, तो घटाने की क्रिया कर रहे हैं यानी कि एक को प्लस देना और एक को माइनस, किसको प्लस देना है या माइनस देना है तो बड़ी संख्या, यहाँ पे मध्य पद का जो चिन्ह रहेगा वो बड़ी संख्या को जाता है तो मध्य पद का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए बड़ी संख्या को -7 या और छोटी संख्या को प्लस। अब यही चीज को हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये दो को नहीं लिखोगे अब ये दो नंबर लिखोगे वो भी चरांक एक्स के साथ, तो -7x धन 5x -35 बराबर 0। अगर आपको ये हल करने नहीं आता तो मैंने आगे का एक वीडियो बनाया उसमें आपको वर्ग समीकरण को हल करना अच्छे से सिखाया है, वहां पे आप ढूंढ सकते हैं। ओके वैसे फिलहाल आप 10वीं में इसको आपने एलजेब्रा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या कॉमन आता है उसको देखते हैं, तो पहले दो पद में देख रहे हो सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है और संख्या में एक कॉमन आ रहा है क्योंकि कोई किसी भी पहाड़े पर अगर नहीं आता तो एक वहां पर होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स लिखेंगे, तो अगर एक्स बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा 7, एक्स को कॉमन लिया ना भाई धन, यहाँ देखो दोनों जगह तो x नहीं है लेकिन x बाहर नहीं आएगा। अब संख्या सोचते हैं तो 5 और 35 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं इसलिए संख्या 5 की आ जाएगी बाहर आ जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा x, 5 बाहर लेना मतलब इसको भाग डिवाइड करना, तो यहाँ बचा x माइनस 5 से 35, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए ये भी आपको मालूम है, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0,
अब x माइनस 7 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0, है ना। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें से एक संख्या क्या है, 0 है। इसलिए हमने यहां लिखा है x माइनस 7 या तो बराबर 0 होगा या तो x धन 5 बराबर क्या होगा, 0। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उसमें से एक संख्या का मान क्या हो, 0 हो। तो यहां x बराबर माइनस 7 उधर ले गया तो क्या हो गया, 7, या x धन 5 है तो वहां ले गया क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, x का मान या तो 7 होगा या x का मान माइनस 5 होगा। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं, दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। समद्विबाहु सिद्ध करना रहेगा यानी दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। और विषमबाहु सिद्ध करना रहेगा यानी तीनों दूरी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तीनों दूरी अलग है यानी कि वह त्रिभुज कौन सा हुआ विषमबाहु। समद्विबाहु संपूर्ण सिद्ध करना रहेगा तो दो भुजा बराबर आनी चाहिए और बड़ी भुजा का वर्गों का योगफल अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिससे वो संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से समद्विबाहु संपूर्ण भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी चीज आए दूरी से आसानी से क्या करिए, दूरी ज्ञात करिए और इसके बाद तो उस त्रिभुज या उस चतुर्भुज की क्या खासियत होती है वो खासियत उसमें ढूंढिए कि है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो मुझे मालूम है समबाहु त्रिभुज की क्या होती खासियत, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, यानी तीनों दूरी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र से AB की दूरी पहले निकालते थे, AB यानी कि पहला दूसरा, यानी सूत्र क्या बना, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ओके, अब इतने सारे सवालों के लिए स्पीड आनी चाहिए ना। तो AB बराबर करने के अंदर x1 क्या है, माइनस, फिर ये सूत्र का माइनस लगा है ना, सॉरी x1 का मान a, फिर ये माइनस, फिर x2 का मान क्या है, a का वर्ग। ओके, प्लस y1 कितना है, 2, माइनस y2 देखो 6, एक में से एक क्या, 0 का वर्ग, यहां 2 माइनस है यानी -4 का वर्ग, घटाना आपको आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो 0 तो हट गया, -4 का वर्ग कितना, या 0 का वर्ग 0 लिखो, -4 का वर्ग 16, तो AB का मान आ गया करनी में 16, करनी 16 का मान मतलब क्या होता है, AB का मान आ गया 4। वर्गमूल भी निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। अब इसके बाद क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC के लिए सूत्र क्या बना, दूसरा तीसरा है ना, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का वर्ग। चलिए मान रखते हैं x21 माइनस x3, माइनस लगा हुआ, देखो माइनस लगा है यानी कि यहां देखो चिन्ह क्या होगा, क्योंकि दो पद है तो मैं डायरेक्ट देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -1। चलिए पहले ऐसे रखते थे तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं फिर क्या समझाने का मतलब हो जाएगा, धन y2 कितना है 6, माइनस y3 कितना है 4 का वर्ग। अब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो आप जानते हैं ब्रैकेट ओपन करते समय बाहर अगर माइनस होता तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है, क्या हो जाएगा ये 1 -1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, -2√3 और इसका स्क्वायर, और यहाँ 6 - 4 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 1 - 1 कितना हो गया, 0, यानी बचा क्या, -2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। अब इसका वर्ग कर लेते हैं तो 2 का वर्ग होता है 4 और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 3। तो बीसी बराबर आ गया 4 × 12 = 4 कितना आ गया 16। तो इस तरह से बीसी का मान देखो बराबर आ गया करनी 16 यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ऐसे सेम क्या करेंगे, एसी भी निकाल लेंगे। एसी यानी पहला तीसरा, यानी कि सूत्र बन गया x1 - x3 का वर्ग प्लस y1 - y3 का वर्ग।
मान रखिए वन माइनस, देखो सेम घटना घट रही है आपने जो यहां पे किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर लिख सकता हूं। चलिए अभी फिलहाल आपको कंफ्यूजन ना हो लिख देता हूं, क्योंकि आप तो कंफ्यूज हो गए थे इसलिए दिक्कत आ जाता है। और y1 दो माइनस चार, अब आपने इसको सेम यहां जो हल किया ना वही हल होगा, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दो करनी माइनस दो करनी तीन का वर्ग, और यहां घट के क्या था माइनस दो का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा चार जोड़े तीन घन चार, यानी कि करनी में सोलह, ये एसी का मान आ गया। सेम यही प्रोसेस आपने वहां जो हल किया वही वहां पे हल कर। अब तीनों का मान क्या है बराबर हम लोग यहां लिख देंगे, समीकरण एक तथा एक दो तथा तीन से रेख एसी सर्वांशम रेख ए बी सर्वांशम रेख बी सी, यानी तीनों की भुजाएं क्या है बराबर है, यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं या सर्वांशम है, इसलिए दिया गया त्रिभुज क्या है दिया गया त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ओ, इतना लाइन आप पूरा कर सकते हैं। ओके तो ये हुआ हमारा 5.1 कंप्लीट।